Starting with the third part, here it says two charges, 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B and 6 cm apart. अब हमें दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक हमें क्या दिया हुआ, 2 माइक्रोकूलम का दिया हुआ, दूसरा हमें -2 माइक्रोकूलम का दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ए हो जाएगा, दूसरा पॉइंट बी हो जाएगा, एंड वॉट डिस्टेंस अपार्ट दे आर इज 6 सेंटीमीटर, विच इज नथिंग बट 0.06 मीटर। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है हमें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ इस सिस्टम की कहाँ पे होगी, कह सकते हैं। तो यहाँ पे ना पोटेंशियल जो होगा हमारा वो जीरो होगा ड्यू टू बोथ चार्जेस एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब पोटेंशियल हमारा जीरो आने वाला है। मतलब अगर हमारे पास एक पोटेंशियल बनता है ए के अक्रॉस, दूसरा पोटेंशियल बनता है बी के अक्रॉस, तो उनका सम किसके इक्वल होगा, जीरो के। वही पोजिशन होगी, वहां पे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा हमारा। अब वी ए अगर हम यूज करें तो हमें पता है कि दोनों के पास वी ए और वी बी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। पहला हम चार्ज लेंगे ए वाला, 2 माइक्रोकूलम है ना, तो इसको चेंज कर लेते हैं 2 × −10⁻⁶, और डिस्टेंस ले लेते हैं कि कोई पॉइंट है ओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, तो ये वाला ओ भी कितना हो जाएगा हमारा, 0.06 - x प्लस −2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.06 - x, और किसके इक्विवेलेंट होगा ये, जीरो के। अब आप ध्यान से अगर नोट करो तो हम ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, या एक काम ये भी कर सकते हो आप कि 1/4 ε₀ का काम तो है नहीं अब, क्योंकि ये इधर जाके राइट साइड जाके जीरो हो जाएगा। अब दूसरा काम 2 × 10⁻⁶ x फर्स्ट वैल्यू है ना, अगर ये वाली वैल्यू राइट में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 0.06 - x, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जो दोनों वैल्यूज हैं वो बिल्कुल ही सेम है, 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, 1/x इज इक्वल टू 1/0.06 - x। अब लेफ्ट में जाएंगे 0.06 - x इज इक्वल टू x, x की वैल्यू अगर उधर जाएगी माइनस वाली तो क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब फाइनली x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0.03। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारी कहाँ पे है, मिड मिड वैल्यू है, बिल्कुल ए बी का मिड पॉइंट जो है वहां पे जीरो पोटेंशियल होगा, और वही हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का पार्ट है। बी पार्ट में हमसे ये पूछा गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, इट विल बी नॉर्मल टू लाइन ए बी, नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल टू लाइन ए बी, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर फॉर द थर्ड।